बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने गालिबन क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 23 एक्सप्लेन किया था। आज एक तो आपका क्वेश्चन 14 रहता है और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो ये चार पांच सवाल आप जो रहते हैं पहले आप ये देख लें। उसी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 3, 4 and 5, -2। ए इज इक्वल टू 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 5, -2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी if PA is equal to PB. Number one, you are given PA length of PA is equal to length of PB and area of triangle PAB is also given. Area of triangle PAB is equal to 10 square units. याद रखिएगा कि कोई भी मूविंग पॉइंट है इसे कहा जाता है लोकस पॉइंट। लोकस पॉइंट को जर्नली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर कभी पी आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए कम से कम दो इंफॉर्मेशन जरूरी है। टू इंफॉर्मेशन मस्ट बी given. अब मूविंग पॉइंट P अगर मूव हो रहा है तो वो कुछ पाथ बनाएगा। दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। लोकस यानी पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट। पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट इसके लिए एक इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। वन इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन। बुनियादी बात कि अगर कभी लोकस पॉइंट फाइंड करना है तो आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ दो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसका मतलब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। और अगर कभी लोकस फाइंड करना है यानी पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए एक ही इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। ऐसे भी सवाल आप पढ़ेंगे तो अब कहा यह गया है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए इज द फर्स्ट पॉइंट एंड बी इज द सेकंड पॉइंट। तो फर्ज करें पी लोकस पॉइंट है। लेट
P with coordinate xy is the locus point. फर्ज करें वो पॉइंट ये है, तो पहली इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है वो ये कि P से A तक का डिस्टेंस P से B तक के डिस्टेंस के बराबर है. वी आर गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी. तो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड्स. तो P इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1, A इज सेकेंड पॉइंट x2 y2. तो ये 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर. PB, तो P इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1, B इज सेकेंड पॉइंट x2 y2. तो ये हो गया 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस y होल स्क्वायर. रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ से आप अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 प्लस वाई होल स्क्वायर. तो अब ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके इसे सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स 9 माइनस 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 plus y whole square, it is equal to 4 plus 4y plus 4y square. So, ab x square, dono sides ka additive part, ye cancel ho gaya. Y square, dono sides ka additive part, ye bhi cancel ho gaya. It's not 4y square, it's y square. तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स पे मौजूद है कैंसिल, वाई स्क्वायर दोनों साइड्स पे मौजूद है ये भी कैंसिल हो गया. अब आप देखें तो लेफ्ट साइड पे है 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज 25, कैंसिल विद दिस 25. काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, बाकी जो कुछ बच गया वो है माइनस 6 एक्स माइनस 8 वाई माइनस 6 एक्स माइनस 8 वाई. ये तो लेफ्ट साइड पे मौजूद है. माइनस 10 एक्स को शिफ्ट करें तो ये हो गया प्लस 10 एक्स. प्लस 4 वाई को शिफ्ट करें ये हो गया माइनस 4 वाई. और 4 को शिफ्ट करें तो ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 10x minus 6x, it is 4x minus 8y minus 4y is minus 12y minus 4 is equal to 0. 4 common lay to the left x minus 3y minus 1 is equal to 0. 4 ko right side pe shift kare to x minus 3y minus 1 is equal to 0. Ye ho gayi ek equation. First information se x और y की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मालूम होगा. अब आइए सेकेंड इंफॉर्मेशन. तो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या थी? सेकेंड इंफॉर्मेशन है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है इट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे. आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू 10. हाफ एज इट इज पी इज फर्स्ट पॉइंट एक्स वन वाई वन ए इज सेकेंड पॉइंट एक्स टू वाई टू x2 minus x1, so it is 3 minus x, y2 minus y1, so it is 4 minus y, b is third point, so x3, y3, so x3 minus x1, yani 5 minus x, y3 minus y1, so it is minus 2 minus y, it is equal to 10. अब आप इस determinant को simplify करें. इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी. उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी. Now come to half of 3 minus x multiplied by minus 2 minus y minus 4 minus y multiplied by 5 minus x. It is equal to 10. तो ये हो गया भाई हाफ मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया अब माइनस सिक्स माइनस थ्री वाई माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एज इट इज. इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 20 माइनस 4x माइनस 5y माइनस इनटू माइनस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 10. लेफ्ट साइड पे जो हाफ है इसे आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये 2 राइट साइड पे जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट बिकम्स 20 माइनस सिक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 20 प्लस फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इट इज 20. अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल हो गया. 2x प्लस 2x plus 4x it is equal to 6x minus 3y plus 5y it is plus 2y. Now minus 6 minus 20 minus 26 is equal to 20. Now it is 6x plus 2y माइनस 26 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो 6x प्लस 2y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. आप 2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच जाएगा 3x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0. तो 3x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन आपने फाइंड की थी x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपने ये फाइंड की. अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें.
फर्स्ट इक्वेशन में माइनस थ्री वाई, सेकेंड में प्लस वाई को देख के मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू बाय थ्री, देन एड इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है कि वाई का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन को इट्स नॉट थ्री वाई इट्स थ्री एक्स। इसे जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू थ्री एक्स इज नाइन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 69 इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप खुद देख लीजिए प्लस थ्री वाई और माइनस थ्री वाई ये कैंसिल हो गया, बाकी अब बच जाएगा टेन एक्स माइनस 70। टेन एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब टेन एक्स की वैल्यू हो गई 70। 10x is equal to 70, इसका मतलब x is equal to 70 upon 10, x is equal to 7। अब आप x की ये वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दें। इफ यू कंसीडर इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन थी x माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, चूँकि एक्स है सेवन, तो सेवन माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सेवन माइनस वन इज सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, यानी थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, सो वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, वाई इज इक्वल टू टू। इसका मतलब रिक्वायर्ड लोकस पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट था पी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स इट इज सेवन एंड द वैल्यू ऑफ वाई इट इज इक्वल टू टू। ये हो गया मूविंग पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकस पॉइंट फाइंड करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। जाहिर सी बात है, दो इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि आपको दो इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशंस मिलेंगी जिन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज The area of a triangle is 8 square units. Two of its vertices are A and B. A is equal to 1 comma minus 2. And B is equal to 2 comma 3. A is equal to 1 comma minus 2 and B is equal to 2 comma 3. And the third vertex C lies on a line 2x plus y minus 2 is equal to 0. Third vertex C, ये एक straight line पे है जिसकी equation है 2x plus y minus 2 is equal to 0. आपसे कहा गया है find third vertex. Third vertex को आपने C कहा, तो we have to find the coordinates of C. तो लोकस पॉइंट पी के बजाय अब उसे सी कह दिया है, बाकी काम वही है कि ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं।
इज इक्वल टू 1, -2, बी इज इक्वल टू 2, 3। एक पॉइंट है सी, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, जबकि सी एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। सी लाइज ऑन ए लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन। इसके अलावा जो ट्राइंगल बन रही है एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया भी आपको दे रखा है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इट इज ऑल्सो गिवन। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। यहाँ आपका काम अगर गौर करें तो थोड़ा सा आसान कर दिया है। एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, 2x + y - 2 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये सी में से पास हो रही है, इसका मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन आपको दे रखी है। और दूसरी इक्वेशन के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी ABC ये गिवन है। ABC ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है, इट इज इक्वल टू कितना था, 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट वाज 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब अगेन इट इज हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 x3 - x1 y3 - y1, इट इज इक्वल टू 8। तो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x2 - x1, तो ए इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1, बी इज सेकंड पॉइंट x2 y2। ए फर्स्ट पॉइंट x1 y1, बी सेकंड पॉइंट x2 y2। तो ये बन गया 2 - 1, 3 -2, तो 3 + 2। सी इज थर्ड पॉइंट, तो इट इज इक्वल टू x - 1 एंड y - 2, यानी y + 2, इट इज इक्वल टू 8। अब ये हो जाएगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 1, 5 x - 1 y + 2, इट इज इक्वल टू 8। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें तो 1 × y + 2 - 5 × x - 1 इज इक्वल टू 2 × 8, इट इज 16। हाफ है लेफ्ट साइड पे, 2 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बन गया y + 2 - 5x - (−5), 16 को भी शिफ्ट कर दें तो -16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अब 5x - 5x + y - 9 इज इक्वल टू 0। 2 + 5 = 7, 7 - 16 इज -9। -1 कॉमन लेने, ये बन जाएगा 5x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 5x - y + 9 इज इक्वल टू 0/-1, इट इज 0। ये एक और इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। आपको दो इक्वेशंस मालूम हो गई, एक तो इनडायरेक्टली गिवन थी और दूसरी एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपने फाइंड कर ली। आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें प्लस वाई है, सेकंड इक्वेशन में माइनस वाई है। इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2,
इक्वेशन नंबर वन इज 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर टू इज 5x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस y माइनस y कैंसिल, 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू माइनस 7, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1। x की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इफ यू कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस y माइनस 2 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स जो कि आपको फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 4। इसका मतलब ए बी वही पॉइंट्स हैं जो दे रखे हैं। सी के कोऑर्डिनेट अगर माइनस 1, 4 होंगे तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बन जाएगा वही जो आपको दे रखा है, 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। See question number 21. Question number 21 is A 2, 3 and B 3, 5 are the fixed points. A is given, B is given. ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3, 5 आर फिक्स्ड पॉइंट्स एंड पी इज अ मूविंग पॉइंट। तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ लोकस पॉइंट। आपसे कहा यह गया है कि आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, बल्कि लोकस की इक्वेशन फाइंड करें, लोकस मालूम करें। एंड यू आर गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज गिवन, इट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अगर पी कोई मूविंग पॉइंट है इस तरह से कि पी ए बी ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है 8 स्क्वायर यूनिट, तो आप बताइए कि पी की मूवमेंट से जो लोकस बनेगा उसकी इक्वेशन क्या हो। तो आपको शुरू में बताया गया कि अगर कभी लोकस फाइंड करना है तो उससे हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। तो यहाँ एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, इट इज इक्वल टू 8। तो हाफ ऑफ P is first point x1, y1, A is second point x2, y2. तो ये हो जाएगा 2 minus x, 3 minus y. B is third point, so it becomes 3 minus x, 5 minus y. It is equal to 8. 2 को shift कर दें और इस determinant को simplify कर लें
टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस वाई माइनस थ्री माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एट इट इज सिक्सटीन। इन दोनों फैक्टर्स को और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टेन माइनस टू वाई माइनस फाइव एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई माइनस। इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा नाइन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो इट इज टेन माइनस टू वाई माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स वाई माइनस नाइन माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री वाई माइनस एक्स वाई। सिक्सटीन को शिफ्ट कर दें तो माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स इट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स थ्री वाई माइनस टू वाई इट इज इक्वल टू प्लस वाई। माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन इज माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन इज माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन कॉमन ले लें टू एक्स माइनस वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस वन राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया जीरो डिवाइडेड बाय माइनस वन इट इज जीरो। ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लोकस, यानी वो जो मूविंग पॉइंट है वो मूवमेंट की वजह से जो पाथ बना रहा है वो पाथ है बेसिकली यही जो आपने फाइंड किया है टू एक्स माइनस वाई प्लस 15 is equal to 0. तो अब तो अब भाई रह गया एक सवाल, एक सवाल रह गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू। तो
मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 22 चले वो भी देख ले, उसके बाद आपको नमाज पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट पी एंड 0.3। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ वेरिएबल पॉइंट यानी बी अ मूविंग पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ दैट वेरिएबल पॉइंट पी एंड 0.3 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द लाइन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो फर्ज करें जो पॉइंट आपको दे रखा है उसे मैं कह दूं 0.3 इट इज ए, और जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है इसकी इक्वेशन है वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये है वेरिएबल पॉइंट पी, ये है स्ट्रेट लाइन और ये है पॉइंट ए, आपसे कहा यह गया है कि ए से पी तक का डिस्टेंस और पी से एल तक का डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए इट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड लाइन एल, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वी आर गिवन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एल। तो भाई ए पी फाइंड करने के लिए तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद आना चाहिए, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, और पी एल के लिए आपको याद आना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज मॉड ऑफ ax1 + by1 + c। भाई पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब फॉर ए पी डिस्टेंस ए इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1, पी इज सेकेंड पॉइंट x2 y2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x - 0 होल स्क्वायर + y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ एक्स सो इट इज 0, बी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई इट इज 1, सी इज कांस्टेंट इट इज 3। x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी व्हिच आर एक्स एंड वाई। ए इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू 3, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 0² + b² यानी 1². अब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x² + y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + y + 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 1 इट इज 1। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x² + y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ y + 3। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही है और 1 से आप डिवाइड करें तो कोई तब्दीली नहीं होगी। अब रूट को रिमूव करें, रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y + 3 होल स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन. अब नाइन दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है ये कैंसिल हो गया. वाई स्क्वायर ये भी दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है ये भी कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू जीरो. ये हो गई इक्वेशन ऑफ लोकस. वो जो मूविंग पॉइंट है पी वो जो पाथ बना रहा है जो ट्रेजेक्ट्री बना रहा है जो रास्ता बना रहा है अपनी मूवमेंट की वजह से वो है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू जीरो. तो अब के बाद मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन रहता हो. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया तो वो ज़रा जिस बच्चे के पास काम पूरा हो वो हैंड रेज करे. हाँ बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि इस एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. इस एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चंस आपने करवा दी हैं. सर कोई भी नहीं रहता सब आपने एक्सप्लेन कर दी है. तो आप लोग नमाज पढ़ने मैंने फार्मूले लिखवाए थे तो कुछ फार्मूले हमने और लिखवाने हैं और आज डिफरेंशियल कैलकुलस इंशाल्लाह ताला शुरू कर देंगे. बाकी रही एक्सरसाइज 3.3 तो 3.3 चूँकि फिलहाल सिलेबस में नहीं है तो हम उसे नहीं करा रहे. उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि कैलकुलस शुरू कर दिया जाए और अगर बिल फर्स बाद में बोर्ड की तरफ से आ गया कि नहीं 3.2 भी आएगी तो वो हम आपको करा देंगे. तो अभी आप नमाज़ पढ़ लें और जो फार्मूले मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के लिखवाए हैं उन्हें कम अज़ कम दो तीन चार दफ़ा पढ़ लीजिए. दो तीन चार दफ़ा वो फार्मूले पढ़ लें याद तो आपको होंगे. उनका सिंपल एप्लीकेशन भी आज हम शुरू करेंगे. तो आपको क्लास लीव करने की ज़रूरत नहीं है. हम नमाज ब्रेक दे रहे हैं 10 मिनट के बाद हम इसी को ही रिज्वाइन कर लेंगे बल्कि रिज्वाइन में कंटिन्यू कर लेंगे.
यकीनन नमाज पढ़ ली होगी आप लोगों ने और फॉर्मूले भी याद तो आपने कर ही लिए होंगे, रिवाइज भी कर ही लिए होंगे। अब पहले तो कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए। मैंने मेरे ख्याल में 15 फॉर्मूले आपको लिखवा दिए थे, कुछ नए फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 16, इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ sec x, it is equal to sec x into tangent x. Next one is derivative of cot x, it is equal to minus cosec स्क्वायर एक्स। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी देख लें। नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, it is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. Next one is derivative of cos inverse x, it is equal to minus 1 divided by square root of 1 minus x square. इन दोनों के डेरिवेटिव्स में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इट इज माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x into square root of x squared minus 1, and derivative of cosec inverse x, derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 divided by x into square root of x squared minus 1. इनमें भी साइन का डिफरेंस है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन के साथ है और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस के साथ है। नाउ नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, बल्कि टेंजेंट इनवर्स एक्स। Derivative of tangent inverse x, it is equal to 1 upon
वन प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स. इट इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर. 15 फॉर्मूले हमने पहले लिखवाए थे अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन. अब एक दो सवाल देख लीजिए. फर्ज करें आपको कोई फंक्शन दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल 2x³ - 4x² + 6x - 9. मैं आपसे कहता हूं कि आप इसे डिफरेंशिएट करें. आप इसे डिफरेंशिएट करें सबसे पहले तो आप लिखेंगे f ऑफ x इज द गिवन फंक्शन व्हिच इज 2x³ - 4x² + 6x - 9. क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसका मतलब आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. विद रेस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करें तो इसका मतलब वी राइट d अपॉन dx ऑन बोथ द साइड्स. तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x³ - 4x² + 6x - 9. अब आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐड हो रही हैं. फॉर्मूला नंबर जो भी है सम और डिफरेंस ऑफ टू or more than two terms. It is equal to derivative of the first term plus or minus derivative of the second term plus or minus up till so. इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 2x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म यानी 4x² + डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट टर्म यानी 6x - डेरिवेटिव ऑफ 9. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर टर्म्स. फॉर्मूला लिखने की तमीज ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स यानी एफ प्राइम एक्स. अब आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन. कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, वी डिफरेंशिएट ओनली फंक्शन. तो जहां जहां कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूंकि ये डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए 2 इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड. वी राइट डेरिवेटिव ऑफ x⁻³ - 4 इज कांस्टेंट टेकन इट आउटसाइड. वी राइट डेरिवेटिव ऑफ x⁻² + 6 इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड. वी राइट डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9 एज इट इज. अब आपके दिमाग में तीन फॉर्मूले एक साथ आने चाहिए. फर्स्ट टर्म के लिए भी और सेकंड टर्म के लिए भी आपके दिमाग में आएगा डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁴ व्हिच इज इक्वल टू n x⁻⁴ - 1.
थर्ड टर्म के लिए ये खुद फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू वन। फोर्थ टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इट इज इक्वल टू जीरो। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ये बन गया टू एज इट इज, एक्स पावर थ्री का डेरिवेटिव थ्री एक्स पावर थ्री माइनस वन अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, माइनस फोर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स पावर टू माइनस वन प्लस सिक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ नाइन इज जीरो। तो ये हो गया अब सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स पावर वन प्लस सिक्स, यानी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फार्मूले किस तरह से लिखने होते हैं, जहाँ जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है उस फार्मूले का रेफरेंस देना चाहिए, ये कहलाता है सम और डिफरेंस का सिंपल एप्लीकेशन। अब इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक विद इन फ्यू सेकेंड्स पहुँच सकें। तो भाई ये इस वक्त तो वो स्टेज नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट क्लास तक भी वो स्टेज नहीं है तो डिफरेंशिएशन में वीकनेस होगी। एक और सवाल देखें, suppose that you are given ax square plus bx plus c is equal to 0, not is equal to 0, you are given this function. So, ek tarika to ye hai ki aap ise f of x likh le. Dusra tarika ye hai ki aap suppose kar le it is equal to y. Y is equal to ax square plus bx plus c. चूंकि गिवन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब राइट डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, सो वी राइट डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डेरिवेटिव। अब सम और डिफरेंस आपके दिमाग में आएगा तो सम और डिफरेंस इस्तेमाल करते हुए तमाम टर्म्स को सेपरेट कर लें, भाई ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो हो रही है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड टर्म। नाउ कॉन्स्टेंट्स कैन बी टेकन आउटसाइड, a is constant taken outside, d upon dx of x square plus b is constant taken outside, d upon dx of x plus derivative of constant. Ab x square it is same as x power n, so ye ho gaya 2x power 2 minus 1 plus b multiplied by derivative of x is 1 and derivative of constant is 0. ये हो गया 2ax power 1 यानी 2ax plus b. dy by dx या d upon dx of y इसको भी y prime से represent किया जा सकता है. ये हो गया y prime. आपकी top priority पे sum और difference ही होना चाहिए. मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब इसकी शक्ल तो है भाई फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन जैसी, है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट फार्मूला आ तो सकता है, लेकिन
याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन को सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा होता है। आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स माइनस थ्री, या अगर वाई के बराबर सपोज करना है तो वो लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन, f of x is equal to x multiplied by using a minus b whole squared, it is 4x squared minus 12x plus 9. x को मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म्स के साथ तो ये हो गया 4x cube minus 12x squared plus 9x. अब ये सम और डिफरेंस की शक्ल बन गई लाइक दिस क्वेश्चन। तो जब ये सम और डिफरेंस की फॉर्म बन गई तो फिर आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी राइट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स। सम और डिफरेंस की फॉर्म है तो तमाम टर्म्स को आप सेपरेट कर लें, इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म 4x क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म यानी 12x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड टर्म। अब आपके दिमाग में आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इज 4 टेकन आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power 3 minus 12 is constant taken outside, derivative of x raised to the power 2 plus 9 is constant taken outside, derivative of x. Ab first or second term ke liye to derivative of x power n which is n x power n minus 1 to ye ban jayega 3 x raised to the power 3 minus 1 minus 12 multiplied by 2x power 2 minus 1, और ये खुद फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x is equal to 1, ये हो गया भाई 12x squared minus 24x plus 9, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपने y सपोज किया होता तो ये dy by dx होता यानी y prime लिखा जाता, अगर सपोज नहीं करना f of x तो ये फंक्शन x की फॉर्म में दे रही है। ये बहुत ही आसान है अगर आप वक्त पे प्रैक्टिस करेंगे। हमने तो ये देखा है कि मेजॉरिटी सम और डिफरेंस में वीक होती है, वो समझते हैं कि जब भी उनका दिल चाहेगा वो ये काम कर लेंगे। तो मैथ्स में कम से कम ये मुमकिन नहीं है कि जब आपका दिल चाहे आप काम कर लें। आप यकीन कीजिए कि चीज़ें बहुत आसान होंगी। आप यही सवालात अगर ख़ुद नहीं बना सकते, यही सवालात दो चार पाँच छः आठ दस दफ़ा कर लीजिए, लेकिन आप उसी तमीज़ से कीजिए जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि जहाँ जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो भी साथ ले। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, फर्ज करें क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स। तो क्या इसे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आप डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हैं, आप एलसीएम को ब्रेक कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स। एलसीएम अगर ब्रेक कर दे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स
प्लस फोर अपॉन एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री प्लस फोर एक्स पावर माइनस वन। अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन नंबर वन या क्वेश्चन टू या क्वेश्चन थ्री जो हमने करा है वैसा ही है। सम और डिफरेंस की फॉर्म बन गई, तो अब आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी राइट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री प्लस फोर एक्स पावर माइनस वन। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू सम और डिफरेंस यूज कर लें तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ थ्री प्लस डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स पावर माइनस वन। कॉन्स्टेंट्स कैन बी टेकन आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इज कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ थ्री एज इट इज प्लस फोर इज कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर माइनस वन। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, फॉर एक्स पावर माइनस वन we use derivative of x power n which is n x power n minus 1, it is equal to 2 minus 4 x power minus 2। ye ho gaya f prime x, aap yahan chhod sakte hain, aap chahe to ise yun likh sakte hain f prime x is equal to f prime x is equal to 2 माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द एलसीएम, इट बिकम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यानी जो मैंने आज सवालात कराए हैं डेरिवेटिव्स के, आप अगर वीक भी हैं ये सवालात 5-4-10 दफा कर लें, फार्मूले हर एक के साथ लिखे हैं, तो वीकनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर फर्ज करें आप वीक भी हैं और आप अपने आप को वीक समझने के लिए तैयार भी नहीं हैं, काम करने के लिए तैयार भी नहीं हैं, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में सुन लीजिए कि या तो ये 100% होता है या फिर ये 0% होता है, इन बिटवीन मुमकिन ही नहीं है। आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगी होंगी, अगर फर्ज करें किसी को फार्मूले ही याद नहीं है, भाई फार्मूले अगर याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन कैसे की जा सकती है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने दिया है, ये चीज़ें कल ही मॉडिफाई हो जाएंगी। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो, मैंने तो कहा कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको 8-10 दफ़ा ये काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि 8-10 दफ़ा काम करने के बाद वो स्टेज नहीं आए कि क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं, यानी ये सवाल है मैं डेरिवेटिव पूछूं आप डायरेक्ट ये जवाब दे सकते हैं, इसका मतलब ठीक है वो स्टेज आ गए, वो अभी नहीं है, वो 8-10 दफ़ा ये काम करने के बाद वो स्टेज आ जाए। लेकिन अगर फर्ज करें वो स्टेज 8-10 दफ़ा भी करने के बाद नहीं आती, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा और कीजिए कोशिश। मैंने ये सोच समझ के सवाल नहीं बनाए, आप ऐसे सवालात थोड़े सी तब्दीली के साथ खुद बनाइए और बार बार सॉल्व कीजिए। जो फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है उस फार्मूले का रेफरेंस ज़रूर दें। रेफरेंस लिखने का तरीका, रेफरेंस देने का तरीका वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर वन हर फार्मूले के साथ हर स्टेप के साथ जो भी फार्मूला यूज हो रहा था वो लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम डिफरेंशियल कैलकुलस में सीरियस होंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस अगर वीक है यानी चैप्टर 4 वीक है, तो आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर 5 कैसे कर सकते हैं। अगर चैप्टर 4-5 सही नहीं है तो
तो एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन, उसका नाम ही इंटीग्रेशन यानी एंटी ऑफ डिफरेंशिएशन है,